नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए जो हमारी यूनिट चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें हम आज लेकर आए हैं अपना लेक्चर नंबर 4। देखते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे। उसमें से हमने एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली थी जो थी वेज रिप्रेजेंटेशन। हमने बताया था रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं कि किसी 3D मॉलिक्यूल को 2D प्लेन पर प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस का सहारा लेते हैं। तो उन कितनी तरह की रिप्रेजेंटेशन देखी थी हमने, 4 तरह की रिप्रेजेंट देखी थी। वेज रिप्रेजेंटेशन, फिर एक थी हमारी फिशर, न्यूमैन, साहर्स, ये 4 प्रकार की रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो हम जब इससे पहले कि स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े तो आपको इन चारों रिप्रेजेंटेशंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है और किस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। तो लास्ट टाइम जो हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी वेज रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने बताया था कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। दो जो होते हैं प्लेन सिंपल लाइन से दिखाए जाते हैं, 2 बॉन्ड्स जो कि प्रदर्शित करते हैं ऑन द प्लेन, यानी कि ये बॉन्ड जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, प्लेन पर होंगे। प्लेन पर मतलब अगर ये बोर्ड एक प्लेन है तो ये दोनों कहाँ पर रहेंगे, प्लेन पर रहेंगे। फिर तीसरा मॉलिक्यूल कहाँ होगा, एक को हम दिखाएंगे सॉलिड लाइन से, ये क्या है, ये अबव द प्लेन है या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि ये बॉन्ड कैसा होगा, प्लेन पर ना होगा, प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ होगा इस तरीके से। तो ये क्या है, अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और एक बॉन्ड को हम किससे दिखाएंगे, एक बॉन्ड को हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन वाला क्या बता रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये कहाँ है, बोर्ड के पीछे की साइड है, कहाँ है, बोर्ड के पीछे। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हमने क्या कहा था, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये है वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आज हम। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ ली थी वेज रिप्रेजेंटेशन, आई होप समझ में आ गई होगी कि वेज में मॉलिक्यूल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब हम और अच्छे से देखेंगे इसे। ठीक है, तो हम दूसरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आपको। दूसरी में हम देखते हैं, चलो साहर्स ले लो, साहर्स रिप्रेजेंटेशन, साहर्स रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में भी इसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको साहर्स बोलते तो हिंदी में भी साहर्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब प्रक्षेपण सूत्र, कैसे उसको प्रक्षेपित किया जाता है, मॉलिक्यूल को कैसे दिखाया जाता है 2D प्लेन पर। तो साहर्स क्या होती है, साहर्स में हम 2 तरह के स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, 2 तरह के। वाई देखा है ना आप लोगों ने, एक तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये दोनों कहाँ पर हैं, ऐसे होंगे, ये दोनों बॉन्ड्स इस तरीके से होंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पर हैं। और तीसरा बॉन्ड कहाँ होगा, नीचे की साइड इस तरीके से। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो यानी कि ये जो बॉन्ड क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भी अप है और ये भी क्या है, अप। अप मतलब ऊपर की तरफ। ये बॉन्ड किधर की तरफ जा रहा है, डाउन की तरफ, तो इसके क्या है, डाउन है, ठीक है, अप डाउन। अगर ये देखें तो ये कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर, तो ये अप है और राइट साइड पर मौजूद है। ये अप है लेकिन कौन सी साइड पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पर मौजूद है। ऐसे ही हम एक और वाई भी बना सकते हैं इस तरीके से, हम सीधा वाई बना सकते हैं और उल्टा वाई बना सकते हैं। साहर्स में हम 2 तरह के क्या यूज़ करेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूल को इस तरह से दिखाएंगे, एक सीधा वाई बनाकर और एक उल्टा वाई बनाकर। हो सकता है कि दोनों सीधे सीधे वाई हों किसी मॉलिक्यूल के अंदर, हो सकता है दोनों उल्टे उल्टे वाई हों, वो हम देखेंगे आगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये वाला अप है, ये कैसे है, डाउन डाउन, ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, ये अप है, अप तो अप ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर 2 तरीके के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 2 कार्बन होंगे, है ना, एक आगे वाला कार्बन और एक पीछे वाला कार्बन, और ये दोनों किससे बंधे हुए होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, है ना, किससे जुड़े हुए होंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन रहेगी, हमने बताया था जहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहती है, फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन, मॉलिक्यूल आसानी से रोटेट कर सकता है, तो ठीक है। ये क्या होंगे, तो हो सकता है ऐसी कंडीशन हो जब दोनों वाई सीधे सीधे हों,
और ये दोनों किससे जुड़े हुए, कार्बन से जुड़े हुए, कार्बन बॉन्ड लेंथ कार्बन बॉन्ड से जुड़े हुए, एक यहाँ पर कार्बन होगा एक यहाँ पर कार्बन होगा, बॉन्ड से जुड़े हुए। तो ये दोनों भाई कैसे हैं, ये भी इरेक्ट है और ये भी कैसा है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ये भी सीधा भाई, ये भी सीधा भाई। तो ऐसी जब स्ट्रक्चर होती है वो होती है अस्थाई। कैसी होती है इस तरह की स्ट्रक्चर, अस्थाई, अनस्टेबल। क्या होता है, ये दोनों ऐसे हैं आमने सामने तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक्लिप्स कर लेंगे। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो दोनों में रिपल्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये स्थाई नहीं होती। अगर दोनों इस तरीके से बने हों, अगर दोनों इस तरीके से बने हों, दोनों उल्टे वाई हों, इसको बोलते हैं, ये भी इन्वर्टेड हो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और ये भी क्या हो, इन्वर्टेड हो, और दोनों कार एक बॉन्ड से जुड़े हुए हों, तो ये भी कैसी होगी, ये भी होगी अस्थाई, क्योंकि भले ही नीचे की तरफ हैं लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं ना, एक्लिप्स कर रहे हैं तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये कंडीशन, अगर दोनों सीधे सीधे बने तब भी अनस्टेबल, अगर दोनों उल्टे वाई बने हुए हैं तब भी अनस्टेबल। तो फिर स्टेबल कहाँ होगा, स्टेबल देखते हैं, ऐसा हो एक वाई सीधा हो और एक वाई क्या हो, उल्टा, तो ये क्या होगी, ये स्थाई कंडीशन होती है, ये स्थाई कंडीशन होगी। तो ये तो इरेक्ट है, सीधा, और दूसरा कैसे लिया हमने, दूसरा लिया है हमने इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। तो ये कंडीशन क्या होगी, स्थाई, ये ऐसे होगी, दो अगर ऊपर की तरफ है तो दो नीचे की तरफ, या यूँ ले लो, ये दो वाई हैं ठीक है, ये ऊपर की तरफ होगा ठीक है, और जो दूसरा वाला उल्टा होगा वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड आपस में एक्लिप्स नहीं करेंगे, ये यहाँ पर है तो ये इसके इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये यहाँ है तो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इसमें कोई भी बॉन्ड एक्लिप्स नहीं कर रहा एक दूसरे को। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण तो मिनिमम होगा, और मिनिमम प्रतिकर्षण होगा तो एनर्जी लोअर हो जाएगी, और एनर्जी लोअर होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टेबल। तो ये स्थायी अवस्था है ठीक है। तो ये इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट्स की, मान लो हमारा मॉलिक्यूल है एक जो सॉल्वेंट्स में लिखा हुआ है इस तरीके से, ये सॉल्वेंट्स में बना हुआ है ठीक है। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी, ये क्यू, ये आर, कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, ए बी सी पी क्यू आर से कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इनमें क्या हो सकती है, मुक्त घूर्णन हो सकते हैं, यानी कि ये किस में आएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर होंगे है ना, मुक्त घूर्णन है, मुक्त घूर्णन किस में होता है, कॉन्फर्मेशनल, यानी कि संरूपण समावयवता का पार्ट होंगे है ना ये। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच, तो दोनों कार्बन क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन रोटेशन होगी कैसे, किस तरह की रोटेशन होगी, रोटेशन एंगल क्या होना चाहिए, यानी हम कितने एंगल से घुमाएंगे। तो एक रोटेशन तो होती है जो होती है 120 डिग्री के एंगल से, कितने एंगल से, जब एंगल क्या हो 120 डिग्री, थीटा कितना हो 120 डिग्री। क्या करेंगे हम, मान लो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, इस वाले कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है आगे वाला कार्बन, इस कार्बन को हमें रोटेट करना है कितने डिग्री के, 120 डिग्री के। तो हम जानते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। तो मैं क्या करूँगी, रोटेट कर दूँगी, ये इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्या करूँगी इसको 120 डिग्री रोटेट कर दूँगी। तो 120 डिग्री रोटेट करूँगी, जैसे ही मैं इस कार्बन को पकड़ के यहाँ से घुमाऊँगी तो क्या होगा, 120 डिग्री रोटेट होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इसे 120 डिग्री से क्या करूँ, रोटेट करूँ इस वाले कार्बन को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये घूम जाएगा, घूम जाएगा तो बी की जगह, ए की जगह क्या आ जाएगा, बी, ए कहाँ चला जाएगा, सी की जगह, और सी कहाँ आ जाएगा, बी की जगह। तो हमें क्या मिलेगा,
इस पे तो नहीं घुमाया था पी क्यू आर, ये तो फिक्स था। यहाँ घुमाया तो क्या हुआ, जैसे मैंने 120 डिग्री से घुमाया तो बी आ गया ए की जगह पर, ए चला गया सी की जगह पर, और सी आ गया कहाँ पर, बी की जगह पर। ठीक है, रोटेशन हो गई, ये घूम गया, मैंने इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया, ये तीन बॉन्ड जो है इनको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, घुमाया जैसे मैंने इसे घुमाया तो देखा बी जो है पलट कर यहाँ आ गया, जब बी यहाँ आएगा तो ए पलट कर कहाँ चला जाएगा, सी की जगह, और सी कहाँ आ जाएगा, बी की जगह। तो इस तरह की जब रोटेशन होती है 120 डिग्री, तो यहाँ पर भी कैसा वाई बना हुआ था, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सीधा वाई बना हुआ था, ये कैसा वाई है, सीधा वाई। यहाँ पर भी देखें वाई के नेचर में कोई चेंज हुआ है नहीं ना, यहाँ पर भी क्या है, सीधा वाई। यानी कि जब 120 डिग्री के एंगल से घुमाते हैं तो वाई की नेचर में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। और ये जो बॉन्ड है कार्बन वन, इसको अगर मैं मान लूँ कार्बन वन और ये क्या है कार्बन टू, तो ये बॉन्ड क्या है, फिक्स है। तो कार्बन वन कार्बन टू का बॉन्ड क्या है, फिक्स है। कार्बन टू पर रोटेशन नहीं हुई हमने किसी एक कार्बन पर की, कौन से वाले पर की, आगे वाले कार्बन सी वन पर की, कौन से डिग्री से की, 120 डिग्री से की। तो हमने देखा वाई की नेचर पर कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी सीधा वाई है, यहाँ पर भी क्या मिला हमको, सीधा वाई मिला। एक तो हम 120 डिग्री के एंगल से घुमा सकते हैं, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा ये है, दूसरा क्या है, यही मॉलिक्यूल बना लेती हूँ, ठीक है, ये ए ये बी ये सी ये पी ये क्यू ये आर। अब मैं कहूँ कि पीछे वाला ये कार्बन वन है और ये कार्बन टू है, अब पीछे वाले को 60 डिग्री के एंगल से घुमाना है, कितने डिग्री के, 60 डिग्री के एंगल से घुमाना है, रोटेशन देना है, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमाना है। तो मैंने बताया इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री, तो 60 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर। यानी कि हमको इन्हें घुमाना है लेकिन 120 डिग्री से नहीं घुमाना, 60 डिग्री से घुमाना है। यानी कि जब घुमाएंगे तो मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर रुक जाना चाहिए, कहाँ पर, 60 डिग्री पर आकर। अगर मैंने पूरा घुमा दिया, आर अगर क्यू की जगह आ गया तो फिर 120 डिग्री का एंगल हो गया ना, फिर तो 120 डिग्री से घुमाया, हमें कितना घुमाना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या होगा, इन दोनों के बीच का हाफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री कहाँ रहेगा, इन दोनों के बीच में हाफ। तो मुझे इस कार्बन को 60 डिग्री घुमाना है तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आगे वाले कार्बन पर नो चेंज, क्योंकि इस पर तो कोई रोटेशन नहीं हुई, ठीक है, पीछे वाले कार्बन पर रोटेशन हुई है। तो क्या होगा, मैं 60 डिग्री घुमाऊं, यानी कि मैंने आर को पकड़कर 60 डिग्री घुमाया, कहाँ, बीच में लाकर छोड़ दिया। जैसे मैं आर को बीच में लेकर आऊँगी तो क्यू भी यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल 120 डिग्री का है तो क्यू यहाँ बीच में आ जाएगा, आर कहाँ चला जाएगा, आर यहाँ बीच में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, R तो यहाँ आ गया, Q इधर आ गया, और ये क्या है, P इधर चला गया। इसका मतलब ये सीधा वाई था, लेकिन मैंने जब इसे 60 डिग्री से घुमाया तो ये किस में चेंज हो गया, उल्टे वाई में, है ना, किस में चेंज हो गया, उल्टे वाई में। क्या हुआ, R 60 डिग्री घुमा, ये जो R है ये 60 डिग्री घुमा तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, वही तो किया, आर को यहाँ लिया, ये 60 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आएगा, ये इनके बीच में कहीं आएगा, क्यू घूमेगा तो यहाँ पर आएगा, है ना, तो वही तो मैंने किया, क्यू को यहाँ रखा बीच में, पी घूमेगा तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा ना, तो वही तो रखा मैंने, आर अपनी पोजिशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा, क्यू अपनी पोजिशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा, और पी अपनी पोजिशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 60 डिग्री एंगल से रोटेशन, समझ में आया ना ये कैसे बना, R को 60 डिग्री घुमा, ये 120 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो मुझे कितना घुमाना है, 60 डिग्री, तो 120 का हाफ कितना होगा, 60 डिग्री। तो मैंने R को 60 डिग्री पर लेकर आई, तो R जब 60 डिग्री घूमेगा तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, है ना, तो सीधा R को मैंने क्या बनाया, सीधा। इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो ये कहाँ पर आएगा, हाफ पर। तो जब मैं इसे घुमाऊंगी तो हाफ यहाँ कहीं पर आएगा, मैंने हाफ में बनाया है उसे, हाफ में ही तो है, सीधा P तो यहाँ था, पहले P तो यहाँ था, तो ये कहाँ है, हाफ में ही तो है, ठीक है। अब P को 60 डिग्री घुमाऊंगी तो R और P के बीच में एंगल कितने का है, 120 डिग्री, तो ये इन दोनों के बीच में कहीं आएगा तो यहाँ पर आएगा, तो वही तो मैंने किया,
60 डिग्री का रोटेशन किया, इस तरह से था। तो देखा, ये तो सीधा y बना हुआ था, लेकिन जब मैंने इसे 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये कैसा y बन गया? उल्टा y। इसका मतलब जब कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड क्या है? फिक्स है। जब कार्बन 1 और कार्बन 2 का बॉन्ड फिक्स है, और पीछे वाले कार्बन पर कितने डिग्री से रोटेट किया? पीछे वाले कार्बन पर 60 डिग्री से घुमाने पर y, ये जो y बना हुआ था, y का नेचर क्या हो गया? y का नेचर बदल गया। क्या बदल गया? इरेक्ट y जो था, सीधा y जो था, वो उल्टे y में चेंज हो गया, इन्वर्टेड y में चेंज हो गया। तो यानी कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन 1, कार्बन 2 का बॉन्ड फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बस क्या किया, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट किया। 60 डिग्री से रोटेट किया तो हमने देखा जो सीधा वाई था वो उल्टे वाई में चेंज हो गया। यानी कि अगर हम 120 डिग्री से रोटेशन करते हैं तो वाई में कोई चेंज नहीं होता, वाई के नेचर में कोई चेंज नहीं होता। अगर सीधा वाई है तो 120 डिग्री रोटेट करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? सीधा वाई मिलेगा। 120 यहाँ तक ही तो है वन एंगल, तो मैं इसको बी को पूरा यहाँ ले आऊँगी, ये 120 डिग्री होगा। तो जब ये बी यहाँ आएगा तो ए, ऑब्वियसली बात है, जब मैं इसे घुमाऊंगी तो बी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा और सी बी की जगह पर आएगा। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बोर्ड पे मत पढ़िएगा, केवल इनको मॉलिक्यूल को इमेजिन करना है आपको। ऐसे देखना है कि मॉलिक्यूल बोर्ड पर ना होकर कहाँ है, आपके सामने मौजूद है, सामने मौजूद है। फिर उसको घुमाइएगा कि आप कैसे घुमाएंगे, तब ए बी की जगह, बी सी की जगह कैसे जाएगा। ठीक है, इमेजिन करके कीजिएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री का यही एक फंडा है कि जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होगी उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि वो इमेजिन कर सकता है मॉलिक्यूल को कि किधर रोटेट करना है, किधर अबव द प्लेन है, किधर बिलो द प्लेन है। अगर ये समझ में आ गई तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि रिएजेंट कहाँ से अटैक करेगा, तो आप उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो प्रोडक्ट होगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने देखी 120 डिग्री के रोटेशन करा सकते हैं, एक देखिए हमने 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करा सकते हैं। यहाँ पर जो हमने रोटेशन कराई थी इस कार्बन पर, रोटेशन जो कराई थी वो कितने 60 डिग्री के एंगल से कराई थी, तो हमने देखा क्या चेंज हुआ। तो मैं मिटा दूँ इसे, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको 3D में इमेजिन कीजिएगा, बार बार देखिएगा रिपीट करके। ये जो बता रही हूँ मैं उसको बार बार देखिएगा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आई तो आपको समझ में आ जाएगी जब आप इसे बार बार रिपीट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, आप देखोगे एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, दूसरी में चेंज कर देते हैं, यानी ये क्या हो रहा है, एक सावर्स को दूसरे सावर्स में चेंज कर दिया। ये कैसे थे, दोनों इरेक्ट इरेक्ट, और ये क्या है, इरेक्ट और इन्वर्टेड, उल्टा और सीधा, ये दोनों सीधे सीधे थे। तो एक सावर्स का दूसरे सावर्स में चेंज हो गया, कैसे हुआ आप ये देखकर बता सकते हैं कि बॉन्ड कहाँ गए। अगर बी ए की जगह आया इसका मतलब पूरा 120 डिग्री का रोटेशन हुआ है, लेकिन अगर बी और ए के बीच में यहाँ पर कहीं रुक गया है, बीच में ही लटक गया है, इसका मतलब 60 डिग्री से रोटेट हुआ है। तो अब मैं मिटा देती हूँ, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यही लेते हैं हम ए बी सी, पी क्यू आर, कार्बन 1, कार्बन 2। हमने दो तरह का रोटेशन एंगल देखे, 120 डिग्री देखा, 60 डिग्री देखा। अब हम देखते हैं अगर हम 180 डिग्री से घुमाएं किसी कार्बन को, कोई भी कार्बन ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम पीछे वाले को ही घुमाएं, हम आगे वाले कार्बन को रोटेट करा सकते हैं, क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों ही फ्री रोटेशन कर सकते हैं। ये भी फुली रोटेट हो सकता है, ये भी फुली रोटेट हो सकता है, तो हम इस तरीके से रोटेशन कराते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब मैं मान लो C1 पे करा रही हूँ, रोटेशन करा रही हूँ 180 डिग्री के एंगल से, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है, अगर मैं इसको सीधा रखूँ तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो मुझे कार्बन का C2 बॉन्ड को तो फिक्स रखना है, यानी कि ये बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा, केवल कार्बन 1 पर जो घूमे लगे हुए हैं, यानी कार्बन 1 को घुमा रहे हैं, केवल बॉन्ड फिक्स रखना है, लेकिन कार्बन
वन को घुमाना है कितने डिग्री से, 180 डिग्री। 180 डिग्री पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि ये तो 120 डिग्री था और इसमें 120 में मैं कितना जोड़ दूँ, जो 180 हो जाएगा 60 डिग्री जोड़ दूँ ना, 120 डिग्री में 60 डिग्री जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा ना। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120 डिग्री है, 60 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं कार्बन वन पर 180 डिग्री से रोटेट कराऊं तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कराऊंगी, मान लो ये बॉन्ड था है ना, 180 डिग्री रोटेट कराना है, 180 डिग्री रोटेट कराऊंगी तो ये ए जो नीचे था कहाँ पहुंच जाएगा, ये जो ए नीचे था ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा है ना। इसको बी को 180 डिग्री से रोटेट कराऊंगी, जब ए इधर पहुंचा तो बी कहाँ जाएगा, जस्ट सामने, यानी बी कहाँ आएगा, यहाँ पर, सी कहाँ आएगा, इसके सामने यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा बी, ये बी, ये सी और ये ऊपर क्या आ गया ए, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया, पी क्यू आर यहाँ कोई रोटेशन नहीं है। तो हमने जब 180 डिग्री के रोटेशन कराया तब भी क्या हुआ, तब भी हम देख रहे हैं हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें दिख रहा है कि जो सीधा वाई था वो किस में चेंज हो गया, उल्टे वाई में, यानी नेचर ऑफ वाई चेंज हो गया। समझ में आया, कितने डिग्री से घुमाया है, 180 डिग्री का रोटेशन कराया है। ये ए, ये बी, ये सी, 180 डिग्री का रोटेशन कराया है 180 के एंगल से। जब ए 180 एंगल से घूमेगा तो ए क्या होगा, जब ए को 100 यहाँ से पूरा पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो कहाँ जाकर रुकेगा, ए ऊपर जाकर है ना, कहाँ जाकर रुकेगा, ऊपर जाकर, तो ए कहीं यहाँ पर आएगा। बी जो होगा 180 डिग्री से पूरा घूम कर आएगा और यहाँ पर कहीं सामने आकर रुकेगा। ऐसी सी पूरा 180 डिग्री से घूम कर आएगा और यहाँ पर कहीं सामने रुकेगा। तो हमने वही तो किया, ये ए, ये सी और ये बी, ये ए, ये सी, ये बी, इसका मतलब नेचर ऑफ वाई चेंज हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, कार्बन वन कार्बन टू के सॉरी के बॉन्ड को फिक्स रखकर कार्बन वन को 180 डिग्री से घुमाने पर वाई वाई का नेचर चेंज हो जाता है, वाई का नेचर चेंज हो जाता है। तो हमने देखा जब 120 डिग्री से रोटेट करते हैं नो चेंज, जैसा वाई सीधा था तो सीधा ही रहता है, 60 डिग्री से रोटेट करते हैं तो वाई क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तब भी वाई का नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इन दोनों में तो चेंज हो जाता है लेकिन 120 डिग्री में नो चेंज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे रोटेट करना है मॉलिक्यूल को, और जब रोटेट करेंगे वो रोटेशनल एंगल से 120 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड कहाँ आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ आएगा और किस तरीके से रोटेट होगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम अगली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कर लिया, नो मिटा देती हूँ। तो ये तो थी साहोर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम साहोर्स लीना। जैसी साहोर्स होती है वैसे ही सेम न्यूमन होती है, लेकिन न्यूमन को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले फिशर पढ़ लेते हैं। तो तीसरी रिप्रेजेंटेशन हम जो ले रहे हैं वो है फिशर, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी अभी हमने कौन सी रिप्रेजेंटेशन देखी, क्या देखी हमने, न्यूमैन।
न्यूमैन को लेकर ही समझते हैं हम फिशर को। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा बॉन्ड अप है कौन सा बॉन्ड डाउन है, इसके बारे में पता होगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट बनाकर भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। अब हम मान लो कन्वर्जन कर रहे हैं, हमारे पास सा हॉर्स दे रखी है, हमें फिशर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? ये यहाँ से समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमें एक सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, कौन सी दे रखी है? सा हॉर्स। तो क्या करें, वन मिनट, क्या दे रखी है हमें? सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन दे रखी है हमें। चलो तो मैं नाम दे देती हूँ इसको, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं क्या करूँ, ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर है, बोर्ड से बाहर है, ऐसा समझना, क्योंकि सारी 3D मॉलिक्यूल हैं बोर्ड पे, तो हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन है तो 3D ना, तो ऐसा समझो ये जो दोनों बॉन्ड है ये ऐसे हैं, बाहर हैं, ठीक है। ऐसे इसके सामने दो बॉन्ड और हैं, ये एक वाई, और इसके सामने दो बॉन्ड और हैं ऐसे, ठीक है, दूसरा वाई, या ऐसे दिखा लो, ठीक है। बीच में क्या है? कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, और इस वाले वाई के नीचे की साइड एक बॉन्ड है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँ, मैंने ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है इसको मैंने 3D में जो बाहर निकाला है, क्या करूँ मैं इसको ऊपर से दबाऊँ दबाऊँ दबाऊँ, तो क्या होगा? ऊपर से फोर्स लगाऊँ, कोई बुक रख के या खुद बैठ जाओ, मान लो तो मॉलिक्यूल के ऊपर बैठ गए ऊपर से, ये जो ऐसे निकला हुआ है ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से तुमने इस पर फोर्स लगाया, तुम खुद बैठ गए, तो क्या होगा? जैसे ही ये वाई जो इस तरीके से है, जो वाई इस तरीके से है, जैसे ही तुम इस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? जैसे दबाओगे 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 दबाओगे, एकदम एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बिल्कुल बैठ जाओगे, तो ये जो वाई जो थे वो क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे, है ना, सीधे हो जाएंगे। एक और पेन, हाँ अब तुमको बेटर समझ में आएगा। सॉरी, बार बार गिर जाते हैं। ये है, ठीक है, एक ऐसा ही आगे है, एक ऐसा ही जस्ट पीछे है। मैंने क्या किया, ऊपर से दबाएंगे, दबाऊंगी दबाऊंगी, तो क्या होगा? ये तो आपस में सामने सामने बैठ जाएंगे, ये भी क्या आ जाएगा? नीचे से अब मैं इनको दबाऊंगी, तो ऐसा तो नहीं ये भी नीचे रहेगा, ये क्या होगा? ये मुड़कर सामने की तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? फैल गया। तो मैं जैसे जैसे इनको दबाऊंगी तो यहाँ पर भी क्या होगा? जैसे जैसे इसको दबाऊंगी, ऊपर से दबाऊंगी, तो क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड फैलने शुरू हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड भी फैलना शुरू हो जाएगा, ये फैलेगा तो नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा, तो जैसे ही हम दबाएंगे ये बॉन्ड भी क्या होंगे? बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो मैं ऐसे दिखा दूं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये वाला है, कार्बन वन और कार्बन टू के बीच वाला है, ये कार्बन वन कार्बन टू, तो ये बॉन्ड जो है ये कार्बन वन और ये सॉरी ये कार्बन वन ये कार्बन टू, ठीक है, दबाऊंगी तो ये बॉन्ड दोनों क्या हो जाएंगे? सीधे। तो पी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, सी ऊपर आ गया, नीचे क्या है? नीचे ए है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? बिल्कुल सीधे हो गए। अब मैं ऊपर से दबाया, ये दोनों भी क्या हो गए? आमने सामने इस तरीके से फ्लैट हो गए। फ्लैट हो गए तो क्या होगा? ये सी आ गया, ये बी आ गया, ये आर आ गया, ये क्यू आ गया, पी भी सीधा हो गया तो पी ए आ गया, ए भी सीधा हो गया तो ये आ गया। तो ये क्या है? ये जो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनी, इसी को बोलते हैं हम फिशर रिप्रेजेंटेशन। और फिशर रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये भी 3D है, हम बाहर निकाल के दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशंस में, एक्स वाई जेड, लेकिन ये जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है ये 3D नहीं होती, ये कौन सी होती है? 2D। कैसी रिप्रेजेंटेशन है? यहाँ लिख देते हैं हम 2D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये बॉन्ड देखें, ये बॉन्ड कैसा था? अप। ये बॉन्ड भी कैसा था? अप। ये बॉन्ड भी कैसा है? अप है, ऊपर की साइड है। ये बॉन्ड भी कैसा है? अप। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड रहेगा ये कैसा रहेगा? अप। स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाएं तो ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं? अप। ये भी अप, यानी अबव द प्लेन। ये वाले पॉइंट पर जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? अप। अब यहाँ देखें, ये बॉन्ड कैसा था? डाउन। ये कैसा था? डाउन।
ये डाउन है तो ये बॉन्ड कैसा रहेगा, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, डाउन बिलो द प्लेन, ये क्या है, डाउन बिलो द प्लेन। तो हम फिशर रिप्रेजेंटेशन को अगर इस तरीके से दिखाएं तो पता होना चाहिए ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से जो बॉन्ड होते हैं वो एक्चुअल में ऐसे थे ना, ऐसे थे। आप ऐसे देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसे रखा है, उसको आप यूं करके देखेंगे तो ये जो दो बॉन्ड थे, ये जो दो बॉन्ड अभी सीधे हैं, कभी ऐसे थे ना, ये जो दो बॉन्ड है इसका मतलब ये क्या है, ये इस तरीके से थे। और जब इस तरीके से थे सामने से देखोगे तो ये बॉन्ड कहाँ लगने चाहिए, आपकी आंखों पर लगने चाहिए, है ना, यूं ही तो रहेंगे, आंखों पर ही तो लगेंगे। तो इसका मतलब जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपकी आंखों में आंखों की तरफ पॉइंट किए हुए हैं, वो कैसे हैं, अबव द प्लेन। यानी ये दोनों बॉन्ड कैसे थे, ये ऐसे थे, लेकिन इन पर फोर्स लगाया, वजन लगाया, वजन लगाया, ये क्या हो गए, फ्लैट। ये दोनों बॉन्ड भी कैसे थे, अप थे, इन पर फोर्स लगाया, क्या हो गए, फ्लैट। ये बॉन्ड कैसा था, ये ऐसे थे तो ये वाला बॉन्ड डाउन था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड डाउन था, इस पर भी फोर्स लगाया, इन पर भी फोर्स लगाया, तो ये भी क्या हो गए, ये भी सीधे हो गए। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये बिलो द प्लेन होते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये दो बॉन्ड तो मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ये मेरी तरफ नहीं आ रहा, ये कहाँ है, ये मुझसे दूर जा रहा है। तो ये दो बॉन्ड जो होंगे अब द प्लेन होंगे, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है, मैं हूँ, तो मेरी तरफ के, मेरी तरफ होंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ये मुझसे दूर जा रहा है, यानी कि ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो आपको पता होना चाहिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर बॉन्ड रहते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये एक्चुअल में ऐसी है, ए ये पी, ये आर, ये क्यू, ये बी, ये सी, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, जब हम इनमें नोमेनक्लेचर करेंगे, आर एस नोमेनक्लेचर, जब हम आर एस निकालेंगे कि कौन सा आर है कौन सा एस है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अबव। वहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन होनी चाहिए, बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन होनी चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए हमें कि कौन सा बॉन्ड अबव द प्लेन है, कौन सा बॉन्ड बिलो द प्लेन है। अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा बॉन्ड अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, तो हम आर एस नहीं निकाल पाएंगे, आर एस नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपको आर एस अच्छे से निकालना है तो ये रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पता होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कौन सा तल के ऊपर रहेगा बॉन्ड, कौन सा तल के नीचे रहेगा। तो ये जो दो बॉन्ड हैं, ये जो मैंने ऐसे दिखाए हैं, बी और सी जो ऐसे दिखाए हैं, वो एक्चुअल में क्या हैं, वो ऐसे थे, जब इन पर फोर्स लगाया तो ये फ्लैट हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड कैसे थे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मेरी तरफ, यहाँ कह रहे हैं तल के ऊपर, कैसे दिख रहे हैं अभी आपको, तल के ऊपर। तो ये दोनों बॉन्ड कैसे थे, तल के ऊपर थे। ऐसे ये वाले बॉन्ड लें जो ऐसे दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या थे, वो ऐसे थे, यानी कि तल के ऊपर थे, बाद में ये फ्लैट हो गए। तो ये दो जो बॉन्ड रहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बॉन्ड दिखाए जाते हैं, वो तल के ऊपर रहते हैं, अबव द प्लेन रहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन से दिखाए जा रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन पर रहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन पर दो एटम हैं ए और पी, ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है, ऐसा ही तो है, ठीक है, तो ये क्या मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ है, मेरी आंखों की तरफ आ रहा है क्या, नहीं, मेरी आंखों से तो दूर जा रहा है, यानी कि मैं ऑब्जर्वर हूँ तो मुझसे कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, मुझसे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या तल के नीचे। तो इसको मैंने तल के नीचे दिखाया है, ये भी तल के नीचे है। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक कंडीशन जो बहुत ही अनिवार्य है, वो क्या, कि जो दोनों वाई हैं वो क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होने चाहिए, इरेक्ट, इरेक्ट वाई होना चाहिए, इरेक्ट वाई होना चाहिए। यानी कि जब भी आप सा हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करेंगे, जब भी आप सा हॉर्स, ये क्या है, सा हॉर्स है, सा हॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो वाई की नेचर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इरेक्ट। दोनों वाई कैसे होने चाहिए, सीधे। अब आप कहो कि मैं तो ऐसे बना दूं, अभी तो दोनों वाई एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को फिशर में चेंज करूंगी तो वो बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होती फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये फिक्स है, ये बॉन्ड अबव द प्लेन है, ये बॉन्ड अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन आने चाहिए। अगर मैं ऐसे रखूंगी तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये बिलो द प्लेन, ये दोनों भी बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, इरेक्ट वाई की,
हमेशा क्या होना चाहिए, इरेक्ट वाई। अगर मुझे इसे चेंज करना भी है फिशर में, तो तुम यूँ नहीं कहोगे कि चेंज नहीं हो सकती, हो सकती है चेंज, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ये जो उल्टे वाई बने हुए हैं, इन्वर्टेड वाई बने हुए हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सीधे वाई में। और सीधे वाई में चेंज करना है, अगर मुझे इसे सीधा वाई बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा, है ना, रोटेशन करना पड़ेगा, कितने डिग्री से, इस बॉन्ड को यहाँ लाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को यहाँ लाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेशन, रोटेशन कितने डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेट करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये नीचे आ गया बॉन्ड। ऐसे ही आगे वाले कार्बन पर 60 डिग्री से घुमाया है तो पीछे वाले कार्बन पर भी क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री से घुमाना पड़ेगा, यानी इन्हें आधे रास्ते में रोकना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। तो जो उल्टे वाई थे उनको मैंने दोनों कार्बन पर 60 डिग्री से रोटेट करके क्या कर लिया, सीधे वाई में चेंज कर लिया। अब ये आसानी से फिशर में चेंज हो जाएगा, अभी आसानी से फिशर में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखी मिले, उल्टे उल्टे वाई बने हो, आप उसको डायरेक्ट फिशर में चेंज नहीं करेंगे, पहले उससे क्या बनाएंगे, इरेक्ट वाई बनाएंगे, सीधा वाई बनाएंगे, उसको चेंज करेंगे रोटेट करके, क्योंकि ये तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, और सिंगल बॉन्ड के अलोंग तो रोटेशन हो सकती है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो भी एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं वो आसानी से रोटेट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड आ जाए या कोई रिंग हो वो बात अलग है, वहाँ पर रिजिड सिस्टम होता है, वहाँ हम रोटेशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं। तो उल्टे वाई को सीधे वाई में चेंज किया और इसकी फिशर बना दी। तो अगर आपको कहे कि इसकी फिशर बनाओ, तो पहले इसको रोटेट करो 60 डिग्री के एंगल से, दोनों कार्बन पर रोटेट किया, इरेक्ट वाई बना, दोनों वाई सीधे सीधे हो गए। अब क्या कर देंगे, ऊपर से इसको दबा देंगे, जैसे ऊपर से दबा देंगे तो ये दो बॉन्ड हैं ये फ्लैट हो जाएंगे, ये वाले जो दो बॉन्ड हैं ये भी फ्लैट हो जाएंगे, और ये जो दो बॉन्ड हैं ये भी क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो 2D में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, 2D में। तो ये थी कौन सी, फिशर रिप्रेजेंटेशन, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम चौथी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लास्ट बची है हमारे पास, लास्ट बची है हमारे पास न्यूमैन, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे न्यूमैन में कैसे दर्शाया जाता है। साहोर्स और न्यूमैन बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है, साहोर्स इस तरीके से होती है, ये फ्रंट कार्बन है, दूसरा वाला ये क्या है, ये बैक कार्बन है, यानी फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, यानी इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ये सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित ना करें, फ्रंट कार्बन को वाई से दिखाएं और बैक कार्बन को सर्कल से दिखा दें, तो वो क्या हो जाती है, न्यूमैन। इसको अगर मुझे न्यूमैन में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, न्यूमैन में, तो मैं क्या करूँगी, या फिर डायरेक्ट न्यूमैन से लेते हैं, इसके बाद इससे चेंज करेंगे। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3। अब मैं कहूँ कि तुम इसकी न्यूमैन बनाओ, क्या बनाओ, न्यूमैन बनाओ, तो मैंने कल भी बनाना बताया था, कल भी देखा था लास्ट लेक्चर, इससे पिछले लेक्चर में हमने न्यूमैन कैसे बनाई थी। ये जो कार्बन है इसको मान लो फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने वाला कार्बन, ये जो कार्बन है इसको मान लो बैक, यानी कि ये जो आपको ऐसे दिख रहा है CH3, ये एक्चुअल में ऐसे है, ये एक्चुअल में ऐसे है, एक कार्बन तो ये है, एक कार्बन पीछे वाला, एक फ्रंट वाला कार्बन, एक पीछे वाला कार्बन। तो हमको जब हम मॉलिक्यूल को इस तरीके से देखेंगे, तो फ्रंट कार्बन तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे वाला कार्बन दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हम लेकिन है तो मौजूद, तो हम कैसे दिखाएंगे, आगे वाले कार्बन को तो हमने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, पीछे वाला कार्बन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने उसको इस तरीके से दिखा दिया। तो ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, ये है फ्रंट वाला कार्बन, सामने वाला कार्बन जो हमको दिख रहा है, इस पर तीन क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, जोड़ दिया हाइड्रोजन, ठीक है। एक कार्बन इसके पीछे है, जस्ट पीछे, जस्ट पीछे मतलब यहाँ,
तो ये क्या है, ये कार्बन इस कार्बन को ढके हुए हैं, इस पर जो हाइड्रोजन होंगे, मान लो इस कार्बन पर ऐसे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन पर ऐसे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, पेन कहाँ गया, ये कार्बन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सामने वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, ऐसे पीछे वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन नीचे, तो क्या है, सामने वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन एक दूसरे को ढके हुए हैं, एक्लिप्स किए हुए हैं, क्या है, ग्रसित हैं। तो कैसे दिखाएंगे, पीछे वाले कार्बन जस्ट हाइड्रोजन जो है, जो आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन है, ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ढके हुए हैं, तो हमें दिखाने तो हैं, प्रदर्शित तो करने हैं, क्योंकि ये बैक कार्बन है, ये जो गोले से बनाया है ये कौन सा कार्बन है, ये है बैक कार्बन, ये जो गोले से प्रदर्शित किया है इसे क्या कहेंगे हम, बैक कार्बन, और ये जो वाई से प्रदर्शित किया है ये कौन सा है, फ्रंट कार्बन है, ठीक है, जस्ट पीछे ही हाइड्रोजन है, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगी, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन एक्लिप्स किए हुए ढके हुए, ऐसे यहाँ बना दूंगी, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ये कौन सी कंडीशन है, यही कंडीशन तो कहलाती है एक्लिप्सिंग, जिसको हिंदी में बोलते हो तुम ग्रसित, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये न्यूमैन है, और फिशर में क्या दिखाते हैं, यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे वो प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को दिखाया है हमने, लेकिन यहाँ पर आगे वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन दिखाया, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे वो नहीं दिखाया, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट नहीं किया है हमने, है ना, तो ये बिल्कुल सेम ही है, आगे वाला ये इस तरीके से दिखा दिया, आगे वाला वाई तो ऐसा ही है फ्रंट कार्बन वाला, पीछे वाले को सर्कल से दिखाया है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसा कि मैंने बोला कि कार्बन कार्बन किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो रोटेशन पॉसिबल है, रोटेट करा दो, मान लो मैं इसमें रोटेशन करा रही हूँ, रोटेट करा रही हूँ 180 डिग्री से, कौन से कार्बन को, बैक कार्बन को, किसको रोटेट करा रही हूँ, बैक कार्बन, एक कार्बन को रोटेट करा रही हूँ, कौन से वाले को, पीछे वाले को, अगर मैं नाम दे दूँ, रुको कन्फ्यूज मत होना, पहले नंबरिंग दे दूँ, ये जो आगे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसको दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, जो पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पीछे वाला कार्बन है इसको रोटेट करना है कितने से, 180 डिग्री से। तो क्या होगा, जब मैं पीछे वाले कार्बन को 180 डिग्री से घुमाऊंगी तो पीछे वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, H4, तो ये घूमेगा 180 डिग्री पे घूमेगा और यहाँ पर आकर रुक जाएगा जस्ट इसके अपोजिट, 180 डिग्री तो यही होगा ना, तो मैं बनाऊँ, ये बैक कार्बन है, फ्रंट कार्बन पर नो चेंज, क्योंकि फ्रंट कार्बन को नहीं घुमाया है, सामने वाले कार्बन पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने सामने वाले कार्बन को नहीं घुमाया है, नो चेंज, ये H2 था, ये H3 था, ये H1 था, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन पीछे वाले कार्बन को घुमाया है 180 डिग्री से, तो क्या होगा, H4 कहाँ चला जाएगा, अपने अपोजिट आ जाएगा, ये आ गया H4, H5 कहाँ है, यहाँ, तो ये कहाँ आ जाएगा, अपने अपोजिट, यानी कि यहाँ पर गई, H6 कहाँ है, यहाँ, तो ये कहाँ आ जाएगा, अपने अपोजिट, यानी कि यहाँ पर गई, तो ये आ गया, ये आ गया H6 और ये आ गया H5। तो क्या किया, जब मैंने 180 डिग्री से घुमाया, ये एक्लिप्सिंग थी और ये कौन सी थी, ये थी, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, आंतरित रूप, स्टैगर्ड फॉर्म, आंतरित रूप, ये ग्रसित फॉर्म, ग्रसित रूप, एक्लिप्सिंग, स्टैगर्ड, आंतरित। तो यहाँ पर देखें, जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को ढके हुए हैं, एक्लिप्स कर रहे हुए हैं, तो ये वाली स्टेबल अनस्टेबल नहीं होती, स्टेट अनस्टेबल होती है, क्यों, जब ये एक दूसरे को ढके हुए हैं तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन। लेकिन जब इसमें देखें, अब तो सारे हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोजन को ढक नहीं रहा है, एक्लिप्स नहीं कर रहा है, हाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर तो सारे ही हाइड्रोजन अलग अलग हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन जो होगा वो भी सारा घट गया, इसीलिए ये वाली स्टेट जो होती है मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, कौन सी होती है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो हम कहते हैं कि जब एक्लिप्स फॉर्म होगी तो अनस्टेबल रहता है और स्टेगर्ड फॉर्म होगी तो स्टेबल रहता है, ठीक है। इनके बीच में एक और फॉर्म भी आती है, गॉच, जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे डिटेल में, ब्यूटेन और इथेन दोनों के कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि स्टेगर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होगा, ये जो मैंने 180 से रोटेट किया है 60 डिग्री से कर दूँ,
ठीक है, कितने डिग्री से करूँ, 60 डिग्री से। तो क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल अभी हमने देखा था 120 होता है, 60 डिग्री से करूँगी तो यहाँ कहीं बीच में रह जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली जो फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी गॉज फॉर्म, गॉज फॉर्म या स्क्यू भी बोलते हैं उसे। जैसे ये दिखाऊँ, अगर मैं किससे रोटेट करूँ, रोटेट करूँ 60 डिग्री से, चलो मान लो बैक कार्बन को ही कर रही हूँ, किसको, बैक कार्बन, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर रही हूँ। तो ये है पीछे वाला कार्बन, दिख रहा है, इस पर ये बना हुआ है, आगे वाले कार्बन पर नो चेंज, H1 यहाँ था, H3 यहाँ था, H4, H2 यहाँ था, ठीक है। अब क्या होगा, 60 डिग्री से रोटेट किया है तो ये दोनों के बीच का एंगल कितने का है, ये है 120 डिग्री, तो 60 कहाँ होगा, यहाँ पर हाफ, यानी कि ये जो H4 है ये पूरा रोटेट ना कर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, H4 कहाँ आ जाएगा, 60 डिग्री पर आ जाएगा यहाँ, तो H4 आ गया ये, ठीक है। ऐसे ये जो H6 है ये यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में, तो H6 कहाँ आ गया, ये आ गया H6। ये जो H5 है यहाँ कहीं आ जाएगा बीच में, तो ये आ गया H5। तो क्या हो गई, ये वाली जो फॉर्म होती है इसी को बोलते हैं गॉच या स्क्यू फॉर्म, गॉच या स्क्यू फॉर्म। रोटेशनल एंगल हम 60 डिग्री का भी रख सकते हैं, 30 डिग्री का भी रख सकते हैं। 30 डिग्री रखते तो ये यहाँ पर रहते, 60 डिग्री किया तो यहाँ पर आया। अब तुम कहोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी तो यहाँ पर भी तो यही स्टेट है, ये भी तो यही स्टेट है, डिफरेंस है बच्चों। यहाँ देखो H4 कहाँ था, H4 यहाँ था, H4 अब कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल अपोजिट, पोजिशन चेंज कर ली, अपोजिट चला गया। H6 यहाँ था तो ये कहाँ आ गया, बिल्कुल इसके अपोजिट। H5 यहाँ था तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट आ गया, जबकि यहाँ देखें तो H5 कहाँ गया, यहाँ पर था ना H5, तो ये तो बिल्कुल बस जरा सा ही रोटेट हुआ, जरा सी पोजीशन चेंज की। H6 ने जरा सी पोजीशन चेंज की, है तो इसी साइड। H4 ने जरा सी पोजीशन चेंज की। तो ये वाली जो फॉर्म होती है गॉज फॉर्म और स्क्यू फॉर्म। तो ये थी हमारी 4 रिप्रेजेंटेशन। अगले वीडियो में हम इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक रिप्रेजेंटेशन को दूसरे रिप्रेजेंटेशन में कैसे बदलना है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम RS नोमेनक्लेचर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। उससे पहले हम देखेंगे असममित केंद्र क्या होता है। मैंने बोला था ना कि जो मॉलिक्यूल असममिति दर्शाते हैं उसमें क्या पाई जाती है, प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो वही देखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जो किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बनाती हैं। आज के लिए इतना ही।